सभी को नमस्कार और उम्मीद करते हैं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चली होगी। तो जैसा कि हम लोग यूपीपीसीएस मेंस का पेपर देख रहे हैं और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सामान्य अध्ययन जीएस पेपर थर्ड देखा जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं ये सामान्य अध्ययन पेपर थर्ड। अधिकतम अंक 200, समय रहेगा आपका 3 घंटा और सेम वही चीज़ की जो है कि पेपर आपका 2 खंडों में डिवाइड होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी में। दोनों में 10-10 क्वेश्चन होते हैं लेकिन शब्द सीमा सेक्शन ए की 125 होती है और सेक्शन बी की 200। सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं और शब्द सीमा को जो है कि ध्यान में रखना पड़ता है। चलिए तो शुरू करते हैं। वैश्वीकरण के कारण भारत में औद्योगिक विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। नीति आयोग द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय ऊर्जा नीति 2017 के परिप्रेक्ष्य में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्यों का वर्णन कीजिए। तो रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में ये पूछे थे। भारत में सतत विकास लक्ष्यों के प्रयास पर प्रकाश डालिए। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना क्या है, इसके उद्देश्य और प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। भारतीय कृषि में तकनीकी मिशन से क्या तात्पर्य है, इसके उद्देश्यों की विवेचना करें। साइबर सुरक्षा विज्ञान क्या है, इसके महत्व को बताएं। जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग जिन क्षेत्रों में हो रहे हैं उनकी चर्चा करें। वामपंथी उग्रवादी विचारधारा से प्रभावित नागरिकों को सामाजिक एवं आर्थिक समृद्धि की मुख्यधारा में आने की सुधारक रणनीतियों पर चर्चा करें। भारत की राष्ट्रीय रक्षा परिषद पर प्रकाश डालें। नेशनल डिफेंस काउंसिल ऑफ इंडिया, रक्षा क्षेत्र में पीपीपी मॉडल क्या है, व्हाट इज द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इन डिफेंस। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के प्रमुख प्रावधानों का परीक्षण कीजिए, इसके क्रियान्वयन की परिस्थिति का उल्लेख करें। आर्थिक विकास और कार्बन उत्सर्जन के बीच संतुलन की समस्या पर टिप्पणी करें। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों का उल्लेख करें। खाद्य सुरक्षा को दूर करने हेतु किन सुधारों की आवश्यकता है, समझाइए। सूक्ष्म लघु और मध्यम यानी कि MSME इंडस्ट्रीज उपक्रम भारत में आर्थिक समृद्धि तथा रोजगार संवर्धन के वाहक हैं, इस कथन का परीक्षण करें। उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में अंतर क्षेत्रीय असमानताओं को स्पष्ट कीजिए तथा पिछड़े क्षेत्रों के विकास में बाधक कारकों का उल्लेख करें। प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद क्या है, इसका जनादेश बताएं। और IT क्षेत्र में 2020 तक भारत में आने वाली प्रौद्योगिकी को सूचीबद्ध करें। ये आपका क्वेश्चन था। आगे चलते हैं कि प्रौद्योगिकी विजन दस्तावेज 2035 के चिन्हित क्षेत्र लक्ष्य और भारतीय नागरिकों को उपलब्ध विशेष अधिकारों का उल्लेख कीजिए। वैश्वीकरण के युग में राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों की विवेचना कीजिए। भारत में केंद्र, राज्य तथा जनपद स्तरों पर आपदा प्रबंधन का विवेचना कीजिए। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के लिए चुनौतियों तथा उसके समाधान पर टिप्पणी करें। तो यह आपका 20 क्वेश्चन था GS पेपर थर्ड। सभी को नमस्कार और जैसा कि हम लोग UPSC मेंस का पेपर देख रहे हैं और UPSC मेंस आपका होने वाला है 2023 का, GS पेपर थर्ड को देख रहे हैं और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज देखा जाएगा कि GS पेपर थर्ड में 2019 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो समय रहता है आपका 3 घंटा, अधिकतम अंक 200, कुल जो है कि 20 प्रश्न दो सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन ए और बी। दोनों में 10-10 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और सेक्शन ए की शब्द सीमा 125 और सेक्शन बी की शब्द सीमा 200 होती है और सभी प्रश्न जो है कि अनिवार्य होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा कि आपका राष्ट्रीय शक्ति की वृद्धि में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका उदाहरण सही समझाएं। राष्ट्रीय शक्ति की वृद्धि में आंतरिक सुरक्षा के प्रति खतरे के रूप में भ्रष्टाचार का विवेचना कीजिए। भारतीय संसद के सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून, सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून की आलोचना राज्यों द्वारा इसकी कठोरता एवं कभी कभी असंवैधानिकता के लिए की जाती रही है, विवेचना करें। समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं, भारत में असमानताओं एवं गरीबी को कम करने में समावेशी विकास किस प्रकार सहायक है, समझाइए। लघु एवं सीमांत किसानों पर हरित क्रांति के प्रभाव की व्याख्या। भारत में निर्धनता की माप कैसे की जाती है, भारत में ग्रामीण निर्धनता दूर करने के लिए उठाए गए कदमों का वर्णन करें। भारत में औद्योगिक रूढ़ता से आप क्या कारण है और इसकी समस्या को दूर करने के उचित सुझाव बताएं। इंडस्ट्रियल सिकनेस इन इंडिया, ठीक है, इंडस्ट्रियल सिकनेस इन इंडिया। भारत में ऊर्जा संकट के कारणों की विवेचना कीजिए। जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। ट्रॉपिकल यानी कि उष्ण जलवायु देश जैव विविधता समृद्ध क्यों होते हैं, समझाएं। डिजिटल अधिकार क्या होते हैं, इसके उद्देश्यों की विवेचना कीजिए, व्हाट इज द डिजिटल राइट। आगे चलते हैं। विगत 2 दशकों में अनियंत्रित ढंग से बड़े अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से विश्व शांति को गंभीर खतरा पैदा हो गया है, इससे निपटने के लिए प्रत्येक राष्ट्र को वैश्विक स्तर पर एक साथ मिलकर लड़ना होगा, इस कथन की व्याख्या करें। नाभिकीय भयात दोहन यानी कि परमाणु निरोध भीषण नरसंहार वाले आणविक हथियारों के प्रतिकार का एकमात्र कारगर उपाय है, इस कथन की व्याख्या करें। सोशल मीडिया को राष्ट्रीय सुरक्षा संवर्धन के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में किस तरह उपयोग में लाया जा सकता है, समझाएं। नई औद्योगिक नीति में नया क्या है, इस संदर्भ में नई औद्योगिक नीति की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए और औद्योगिक विकास पर इसके प्रभाव की व्याख्या करें। विवेचना करें कि भारत में समानता के साथ आर्थिक समृद्धि एवं न्यायपूर्ण वितरण की नीति समावेशी विकास के लक्ष्यों को पूरा करने में किस हद तक सहायक रही है। उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारी के मुद्दे की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। भारत में खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों की व्याख्या कीजिए, उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है, समझाएं। आगे चलते हैं। भारत में कृषि विपणन सुधारों का संक्षिप्त मूल्यांकन करें, क्या वे समुचित हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग से आपका क्या आशय है। क्लाउड कंप्यूटिंग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर प्रकाश डालिए एवं इसके लाभ को सूचीबद्ध करें।
प्रौद्योगिकी स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं, यह डिजिटल प्रौद्योगिकी के प्रसार में कैसे सहायक हो सकती है समझाएं। तो ये आपका जो है कि 20 क्वेश्चन टोटल रहा। थैंक यू सभी को नमस्कार। और जैसा कि UPPCS मेंस का पेपर हम लोग देख रहे हैं, और किसी भी एग्जाम को देने से पहले सबसे पहले प्रीवियस ईयर देखना बहुत ही जरूरी होता है। तो UPPCS 2022 के एग्जाम में GS पेपर थर्ड से किस प्रकार के क्वेश्चन आए, आइए जरा देखते हैं। तो सामान्य अध्ययन पेपर थर्ड, समय रहेगा 3 घंटा, अधिकतम अंक 200। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कुल जो है कि 20 प्रश्न होते हैं, और प्रश्न पत्र जो है कि 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन ए और बी में, दोनों में 10-10 प्रश्न रहते हैं, और शब्द सीमा जो है कि सेक्शन ए की 125 और सेक्शन बी की 200 शब्द सीमा होती है, और सभी प्रश्न जो है कि अनिवार्य रहते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं, देखा जाए किस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ था। डिजिटल कृषि से आप क्या समझते हैं, इससे प्राप्त होने वाले लाभों पर टिप्पणी करें। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन क्या है, यानी कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के संदर्भ में इसके महत्व पर प्रकाश डालिए, ये डायरेक्ट टॉपिक से आपका क्वेश्चन आया हुआ है। पीएम गतिशक्ति योजना के स्तंभों को बताएं, इसके विचार में क्या इससे प्रतियोगिता तथा श्रेष्ठ संयोजकता जनित होगी, विवेचना करें। वित्तीय समावेशन सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए विकास प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, टिप्पणी करें। भारत सरकार की वर्तमान औद्योगिक नीति का मेक इन इंडिया और स्टैंड अप इंडिया के विशेष संदर्भ में मूल्यांकन करें। राष्ट्रीय सुरक्षा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका को विवेचना करें। ई प्रदूषण तथा आंतरिक प्रदूषण को समझाएं, इसके प्रबंधन के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में निर्मित हो रहे रक्षा गलियारा परियोजना के महत्व की समीक्षा कीजिए। भारत की रक्षा आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए भारत की अग्निवीर योजना का विश्लेषण करें, यह करंट अफेयर्स है। एकदम आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं भारत में, इसके प्रबंधन पर व्याख्या करें। आगे चलते हैं, समावेशी समृद्धि अब विकासात्मक रणनीति का केंद्रबिंदु बन गई है, भारत के संदर्भ में इस कथन की विवेचना कीजिए। इस समृद्धि की प्राप्ति हेतु उपचारात्मक सुझाव भी दीजिए। कौशल विकास की देश की आर्थिक विकास में क्या भूमिका होती है, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन 2022 के उद्देश्यों और उसकी मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालें। वैश्वीकरण और उदारीकरण की नीतियों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की विशेषता, विदेश व्यापार, पूंजी प्रवाह एवं प्रविधि हस्तांतरण के संदर्भ में व्याख्या करें। भारत में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तीय एवं तकनीकी व्यवहारिकता का परीक्षण करें। देश में सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए प्रारंभ की गई सरकारी योजनाओं की चर्चा करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश की अपेक्षाकृत कम विकसित होने के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं, व्याख्या करें एवं इस क्षेत्र के विकास के उपाय भी समझाएं। नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी को परिभाषित करें। विज्ञान और कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में इसकी क्षमता पर विस्तार से चर्चा करें, नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी। आगे जाते हैं, तो बौद्धिक संपदा अधिकार IPR से संबंधित मुद्दों की चर्चा करें, इसके उल्लंघन को कैसे रोका जा सकता है। सैन्य तथा असैन्य क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धि की भूमिका और प्रभाव पर तार्किक व्याख्या करें। स्वतंत्रता के उपरांत पूर्वोत्तर भारत में व्याप्त विद्रोह की स्थिति को विस्तार से समझाएं। और लास्ट क्वेश्चन था आपका कि आपदा प्रबंधन में सरकार की क्या भूमिका है, क्या स्थानीय नागरिकों को इसका प्रशिक्षण देना उचित होगा, अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो 2022 GS पेपर थर्ड का ये क्वेश्चन था। थैंक यू सभी का नमस्कार। और जैसा कि हम लोग UPPCS मेंस के पेपर को देख रहे हैं, और 2023 का प्री एग्जाम आपका हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है, और जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया होगा वो मेंस की तैयारी में लग गए होंगे। तो मेंस देने से पहले सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 2021 के UPPCS के एग्जाम में GS पेपर थर्ड किस टाइप का आया था, आइए जरा उसको देखते हैं। तो समय रहता है 3 घंटा और अधिकतम अंक 200। 2021 GS पेपर थर्ड, कुल 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन ए और बी में। सेक्शन ए में दोनों सेक्शन में जो है कि 10-10 क्वेश्चन होते हैं, और शब्द सीमा सेक्शन ए की 125 और सेक्शन बी की 200 होती है, और सभी प्रश्न जो है अनिवार्य होते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं, भारत के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की व्याख्या करें। भारत के औपचारिक क्षेत्र में रोजगार तथा वैश्वीकरण के प्रभाव की समीक्षा करें। आगे चलते हैं कि समावेशी विकास की रणनीति किस प्रकार समावेशी एवं धारणीयता के उद्देश्यों को एक साथ पूरा करने का प्रयोजन रखती है, समझाएं। सतत विकास लक्ष्य 2030 क्या है, इससे संबंधित विभिन्न कार्यसूची की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। कृषि में प्रौद्योगिकी मिशन क्या है, इसकी उपयोगिता बताएं। उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के विकास में कौन सी बाधाएं हैं, इन बाधाओं के निवारण हेतु राज्य सरकार द्वारा उठाए गए प्रयासों का वर्णन करें। उत्तर प्रदेश का देश में खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में प्रमुख स्थान है, इसका मूल्यांकन कीजिए। आपदा प्रबंधन के विभिन्न प्रकारों और कार्यों का उल्लेख करें। विद्रोह यानी कि विप्लव से क्या तात्पर्य है, व्याख्या करें। आंतरिक सुरक्षा में मीडिया तथा सोशल नेटवर्किंग की भूमिका महत्वपूर्ण है, विश्लेषण कीजिए। कृत्रिम बुद्धि के संदर्भ में भारत में राष्ट्रीय नीति क्या है, विस्तारपूर्वक समझाएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों के बारे में बताएं, आप अपने को साइबर अपराधों से कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। आगे चलते हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता स्किल इंडिया कार्यक्रम की सफलता एवं मौलिक श्रम सुधारों पर निर्भर है, तार्किक तर्कों के साथ विवेचना कीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार के 21-22 बजट में शुरू की गई नई परियोजनाओं के राज्य की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा करें। बेरोजगारी के विभिन्न प्रकार क्या हैं, भारत में बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम का उल्लेख करें। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों के विकास की चर्चा कीजिए तथा इसकी विभिन्न चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। भारतीय अर्थव्यवस्था पर लॉकडाउन के प्रभावों पर चर्चा कीजिए तथा इस अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था में सुस्ती की प्रवृत्तियों से निपटने हेतु बजटीय रणनीति की समीक्षा करें। आतंकवाद और भ्रष्टाचार किसी देश की आंतरिक सुरक्षा को बाधित करते हैं, समीक्षा करें। और नागरिक सुरक्षा के प्रकार एवं कार्यों की विवेचना कीजिए, उत्तर प्रदेश में कितने प्रभावी हैं उल्लेख कीजिए। साइबर डोमेन डोम परियोजना क्या है,
साइबर डोम परियोजना क्या है, भारत में इंटरनेट अपराध रोकने में यह कैसे उपयोगी है, व्याख्या करें। तो ये आपका क्वेश्चन था, थैंक यू। सभी को नमस्कार। और जैसा कि हम लोग UPPCS मेंस का पेपर देख रहे हैं, और सबसे जरूरी चीज़ होता है प्री, चाहे मेंस के लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर को सबसे पहले देखें, जैसे कि आप प्रश्नों के आपका जो है कि आकलन कर सकें किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं या आते हैं। 2020 का GS पेपर थर्ड देखा जाएगा UPPCS का, किस प्रकार के क्वेश्चन आए। तो ठीक है, शुरू करते हैं। समय रहता है 3 घंटा, अधिकतम अंक रहता है 200, कुल जो है कि 20 प्रश्न होते हैं और 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन ए और बी में। सेक्शन ए से 10 क्वेश्चन, सेक्शन बी से 10 क्वेश्चन, और सेक्शन ए की शब्द सीमा 125 और सेक्शन बी की शब्द सीमा 200 होती है, और सभी प्रश्न जो है कि अनिवार्य होते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में किसी को पीछे न छोड़ना से आप क्या समझते हैं, नीति आयोग के क्या लक्षण हैं, इसके 3 वर्षीय कार्ययोजना को समझाएं। भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विकसित देशों की गति के साथ नहीं बढ़ा है, इसकी व्याख्या करें। उत्तर प्रदेश के लघु उद्योगों को समझाएं तथा प्रदेश की अर्थव्यवस्था में इसके योगदान को रेखांकित करें। देखो, लघु उद्योग यूपी के, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्री। भारत में कृषि उत्पादकता में कमी के क्या कारण है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया, और SCNG क्या है, इसके विभिन्न उपयोग बताएं। वन्य जीवों के संरक्षण की चुनौतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। नार्को आतंकवाद, नार्को टेररिज्म भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, इसकी विवेचना करें। मनी लॉन्ड्रिंग एवं मानव तस्करी की गैर परंपरागत सुरक्षा चुनौतियों के रूप में समीक्षा करें। भारत के सुरक्षा परिषद में रिवॉल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर क्या है बताएं। व्यापार, रोजगार, विशेषकर महिला रोजगार, आय और संपत्ति वितरण की समानता आदि पर वैश्वीकरण के प्रभाव की विवेचना करें। उत्तर प्रदेश सरकार के कल्याणकारी योजनाओं एवं उसकी भूमिका की समीक्षा करें। भारत में गरीबी और असमानता को कम करने के प्रमुख चुनौतियां क्या हैं बताएं। आगे चलते हैं, तो गरीबी की रेखा से आपका क्या अभिप्राय है, भारत में गरीबी निवारण के लिए चालू किए गए कार्यक्रम को समझाएं। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के उद्देश्य क्या है, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति 2020 की व्याख्या करें। भारत में नस्लवाद का सामना करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को समझाएं। नाभिकीय प्रसार के मुद्दों एवं विद्यमान नियंत्रण तंत्र का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। भारत के उच्चतर रक्षा संगठन को समझाएं। वर्तमान उभरती सुरक्षा चुनौतियों में नाभिकीय हथियार भारत की सुरक्षा प्रबंधन में किस प्रकार लाभदायक हो सकता है, इसको बताएं। तो ये रहा आपका टोटल क्वेश्चन, थैंक यू।